बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डेविल क्रिएशन में। तो आज कुछ इस तरह की वीडियो होने जा रही है हमारी। काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सॉन्ग, तो सोचा बना लूँ। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें अलर्ट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, प्लस वाला आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट ले लेना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर देनी है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक फ़ोटो ले लेनी है और इसे फिल कर देना है। अब सॉन्ग ऐड कर लेना है। अब सॉन्ग के हिसाब से मार्क लगा देना है बीट्स वाइज। तो मैंने मार्क लगा दिया है। अब पहले इस वाले मार्क पे आना है और इसे यहाँ से यहाँ तक लाना है। अब एक शेप ऐड कर लेना है। एडिट शेप पे जाना है, यहाँ पे वाई साइज पे आना है और इसकी साइज इंक्रीज कर देनी है फोटो के हिसाब से। अब एक्स वाले पे आना है, इसे बड़ा देना है, एक मार्क लगा देना है। अब बैक चल जाना है और इसे मार्क से हिसाब से यहाँ तक लाना है। फिर से एडिट शेप में जाना है और ये लास्ट वाले पॉइंट पे एक मार्क लगाकर इसको पूरा कम कर देना है, ज़ीरो पे कर देना है। बैक चल जाना है और इन दोनों को मर्ज कर लेना है। इस पे टैप कर लेना है तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब यहाँ पे फोटो ऐड करनी है। अब इसे कुछ इफेक्ट ऐड करने वाले हम, तो सबसे पहले इस पे टैप करके इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट कर लेना है और यहाँ स्केल सर्च कर लेना है। ये वाला इफेक्ट ले लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्स वाई पे आना है थर्ड वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे थोड़ा आगे आके यहाँ पे एक मार्क लगा देना है और सबसे पहले में आके यहाँ पे थोड़ा साइज कम कर देना है। अब इन दोनों के बीच में आके यहाँ पे जाना है और इसे ऐसा कर देना है। बैक चल जाना है, एड इफेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑटो शेक सर्च कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग इसमें चल जाना है, मैग्नीट्यूड बड़ा लेने, पहले पॉइंट पे आना है, यहाँ पे एक मार्क लगा के जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़ीरो कर देना है। सेम फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पे बड़ा लेनी है, प्लस की लगा देनी है और यहाँ पे इसे ज़ीरो कर देना है। इवोल्यूशन थोड़ा बड़ा लेना है 0.30 तक। बैक चल जाना है, एड इफेक्ट कर लेना है, जूम ब्लर सर्च कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे की लगा देनी है आगे में और थोड़ा आगे जाके यहाँ पे इसको ज़ीरो कर देना है।
पैक चल जाना है, हैड इफेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टाइल सर्च कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग। अब और एक इफेक्ट ऐड करना है ग्लो स्कैन करके सर्च कर देना है स्टैंडर्ड सेटिंग, इस पे चल जाना है। यहाँ पे एक मार्क लगा के इसको ज़ीरो कर देना है, थोड़ा आगे जाके यहाँ पे वन कर देना है, तो कुछ इस तरह दिखेगा। और जहाँ पे हमारा मार्क ख़त्म हो गया वहाँ पे आना है, इस पे टैप करना है और इसे यहाँ से कट कर देना है और बाकी फोटो को भी सेम ऐसे ही फोटो ऐड कर लेनी है, फिल कर देना है। और जहाँ तक है वहाँ तक इसको ले लेना है, इसमें ये वाले इफेक्ट कॉपी कर लेने, इसमें ऐड कर लेना है, स्केल पे आना है, पहले वाले पॉइंट पे आके स्केल को बढ़ा देना है ताकि थर्ड फोटो में आप जूम इन करना चाहते हो जूम आउट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा। अब हमें शेप ऐड कर लेना है, वैल्यू शेप पे आना है, एक की वैल्यू जीरो कर देना है और वाई को बढ़ा लेना है, एक्स पे टैप करके यहाँ एक की लगा देनी है और थोड़ा आगे जाके एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, यहाँ से इसे कट कर देना है। अब इन इस फोटो को भी यहाँ से कट कर देना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से इसको मर्ज कर देना है। हमारा वीडियो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।